पंदरु एकुश दिन भीतर पपी की प्रथमे कृमिनाशक औषध दिया जाए। जदि कृमि हुए किसी कृमि मनीष को आसता है तेणु छोट छोट पिला माने थिले से कृमि पपी ठारु छोट छुआ को आसीबो जहा द्वारा कि तांको देह खराब हो। चिंता करूछे जे गोटे पपीटी को घर को आणीबा तो सेतेबे नॉर्मली आमे गोटे पपीर केयर नबाटा निहति आवश्यक तो से केयर गुड़ी को कौन रहछे जेटा आमे घरे नै परबा। अच्छा नुवा पपीटे आणीले नुवा छुआ परी तो केयर नबा पड़ा कारण से माँ पाखु आसीथिबो तेणु तार हाबिट थियो माँ ठू क्षीर खाइबा तेणु आमे आमर घर खाद्य बाहर कमर्सील फुड दबा से माँ कोल शोला माँ कोल उष्मता दे पारा बेल गोटे बेडिंग प्रिपेयर करा दरकार सेकुटिया रोला माँ पाखे आम पाखे ह्यूमानिटाइजेशन हवा दरकार से बहुत केयर नुआ निहाती आवश्यक। प्रथम नुआ पपीटी आसिले प्रथम तो टे ग्लुकोज पा कि ओआरएस पानी टे पीवा को साथ अल्प अल्प खेल बेस खेलानी एवं जमी ह्यूमान बेबी गोटे सेरेलाक फुड नान फुड आसूची से भाया पपीर कमर्सील फुड प्रथम टे आरंभ कर कारण होम मेड फुड खाई हजम करा शक्ति तार नथिबो किंबा पपी माने गाई क्षीर हजम करि पारंती नाही तेणु आम गाई क्षीर न देबा उचित तेणु पपी मान मिलुथिया खाद्य जिन सामोलैक हो मिल्कोपेट हो ए भलिया बेबी डॉग मिल्क हो तेणु पपीर वयस को देखि आम प्रथम तार से प्रकार खाद्य आरंभ कर किंतु आ परवर्त अवस्था यही खाद्य कॉस्टली हटे आम आम घर खाद्य आरंभ कर प्रायतः तीन मास पर्यंत दुई मास अढ़ाई मास पर्यंत आमको ये कमर्सील फुड पर डिपेंड करा पड़ता है। दुई मास परे आमे आम घर खाद्य जेपरिक गाजर अमृतभंडा सीजा प्रथम आरंभ करवापर चाउल टे मिस भात करवा खेचिड़ी करवा गाजर अमृतभंडा चाउल हलदी पक पपीर खाद्य आम लुण तेल चीनी स्पाइसेस पकाइबा उचित ना सीजा से माने खाते तेणु जो पपीटी बड़ हो जाए आम आम घर खाद्य होम मेड फुड मैंने मेन्टेन करें जीत मैंने कानाइन बोली कहते मैं कानाइन टूथ अच्छी आम मन में आस निश्चित आमिष खाया दरकार कितु आमिष कौन कै कानाइन टूथ अच्छी जो टाण टूथरा आम मंस को छिड़े खाया थाए कंचा कंचा मंस आम तो बर्तमान सीजा बॉइल्ड कर दौचे तेणु ये कानाइन टूथ रे आवश्यक ना आम नॉनवेज रखिपर भेज रखिपर कि ग्रोथ पर प्रोटीन सोर्स दरकार जदि नॉनवेज दे पारने भेज देला बेले आम डाली सोयाबीन ए भाया प्रोटीन सोर्स खाया दे पार तेणु खाद्य है मुख्यतः प्रथम पपी आसला बेले अल्प अल्प परिमाण खाद्य फ्रिक्वेन्सी पांच छः थर दे दरकार कारण अधिक खाद्य माँ पाखु आसी कि गोटे कौन जगार किणाई आसी सीए कौन खाया दौला आम कौन दौचे से कैसे क्वांटीट दौर आम के आपको जानापाईका आम तार हजम शक्ति को अनुमान करी अल्प परिमाण खाद्य बारंबार देवा दरकार नचे इंडाइजेसन डायरिया भूमिशन से आक्रांत हो जहाद्वारा कि ग्रोथ कमिज हस्पिटालाइजेसन हम खर्च बढ़ मेन्टाल आगोनी परिवेश हूँ तार सब गोटे पपीटर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हूँ 100.5 to 101 जो ह्यूमन बीइंग्स 98.4 तेनालीरु आम जो पपीटी को धरवा सब उषुम लगे से तार बॉडी वेट को कंड्यूसिव होगा भाया आम गोटे एनवायरमेंट सृष्टि करें केते आम करे बेड गोटे कि बेड्रे शोचे नचे ना आम खटरे शोचे कि नक पारे आम गोटे कार्टून रे किसी गदी पकईकि रखिपर एवं जेहेतु झाड़ा परिस्रा बारंबार से करेंगे कारण से तो जाणी नथे छोट पपी बाहर को जे झाड़ा परिस्रा करिवे तंकर बेडिंग सब चेंज पेपर पकईक हो कपड़ा पकईक तो रखिके आम बारंबार चेंज करपर कि लोक आणिकी गोटे केज रखुंत केजटा गोटे बंदी जीवन से बंदी जीवन भल नुहे फ्री लाइफ से दरकार तेणु पपी टे कि से घरे बारंबार परिस्रा कर झाड़ा करवाईका आमको तो शिक्षा देवा दरकार प्रायतः तो खाई सारापर स्टूल पास करते खाई सारापर आम टेकिक नहीं कि बाहर जो जगार से झाड़ा को ट्रेनिंग देव से जगह छाड़ी देवा उचित जहाद्वारा कि से अल्प दिन भितर शिखिज जे आम खाई सारापर तो टॉयलेट लगुच से बोबेब कि जगह दौड़ी कर कितु अप टू पांच मस छ मस पर्यंत से बारंबार परिस्रा करते परिस्रा आमको टे अपेक्षा करने को जो मैंने हेयरी ब्रिड्स
जो मानकर रूम बड़ अच्छे से मानको ग्रूमिंग बहुत एसेंशियल नॉन हेयर ब्रीड्स में बहुत एसेंशियल कारण आम ग्रूमिंग प्रायतः कम पानी करवा उचित जो पानी दात गुड़िक राउंडेड स्ट्रक्चर थी आम देहरे चलेले ब्लड सर्कुलेशन बढ़ स्किन लक्सर हम स्किन भल हेयर ग्रोथ भल हम एवं जो रूम गुड़िक बारंबार पड़ता तार टाइम कहजु हेयर लक्सर शाइनी हेयर कट र से आम ग्रूमिंग प्रत्येक दिन दुई थर करवा दरकार नचे थे निहाती दरकार जदि आम ग्रूमिंग प्रपर नाला तेल हेयर गुड़ाक जॉइंट टैंगलिंग बिंडी बिंडी हेयर और स्किन मझेरे आद्रता बढ़ फंगल इन्फेक्शन बैक्टेरियल इन्फेक्शन बढ़ बैड ओडर आसो जहाँकि आमपाई ठीक नुह गोटे नुआ पपी आने आम प्राय पपी माने माँ मदर रो पेट भितर हो क्षीर रे हो माटी चाटिबार हो बाहर खाद्य रो से माने कुर्मी जनित रोग रे आक्रांत हैं तेणु कुर्मी नाशक औषध आमको दि जाए प्रथम 15 रु 21 दिन भीतर पपी की प्रथम कुर्मीनाशक औषध दि जाए तो प्रति 15 दिन इंटरवल रे आमको अप टू अढ़ाई रु तीन मास पर्यंत कुर्मी औषध दि जाए तीन मास ऊर्ध पपी को 2 रु 3 मास अंतरे कुर्मी औषध दि जाए जदि कुर्मी हुए किसी कुर्मी मनीष को आसता है तेणु छोट छोट पिला माने थिले से कुर्मी पपी ठारु छोट छुआ को आसो जहाद्वर कि देह खराब से आम कुर्मी औषध रेगुलरली देवा उचित कुर्मी अधिक बढ़ीगले से सब प्रकार जहाँ खाद्य खाऊँ खाद्यर प्रोटीन विटामिन्स कुर्मी खाईदे तेणु पपीर ग्रोथ हम ना स्किन डिजीज हम विभिन्न प्रकार डिजीज हम कुर्मी अच्छी जो कुर्मी आमर लंग्स को जाए निमोनिया कराए थ्रोट को आसे फेरेंजाइटिस कराए एवं आपणकर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायरिया कराए तेणु कुर्मीनाशक औषध रेगुलर इंटरवल देवा उचित एतद व्यतीत मोस्ट इंपोर्टेंट सब इंपोर्टेंट वैक्सीनेशन छोट पपी मैंने आसती विभिन्न प्रकार रोग आक्रांत हमें भाइराल फीवर आक्रांत हम जमी पार्भो कानाइन पार्भो कानाइन डिस्टेम्पर कानाइन हेपाटाइटिस कानाइन कोरोना कानाइन लेप्टोस्पायरोसिस ब्रोंको राबीज बहुत प्रकार रोग आक्रांत हुए तेणु पपी मानक 40 रु 45 दिन भीतर प्रथम आम वैक्सीनेशन करवा दरकार जो वैक्सीन तापर गोट 21 दिन पर 3 वीक्स 4 वीक्स देखिकी बयस एवं माँ को इम्युनाइजेशन स्टेटस देखिकी रिपीटेशन करिकी बूस्टर डोज दे करवा दरकार तो संगे संगे 3 मास रु 3.5 मास बयस बेलू राबीज वैक्सीन कानाइन कोरोना वैक्सीन कानाइन ब्रोंको वैक्सीन ये सब वैक्सीन रेगुलरली देवा निहत दरकार कारण वैक्सीन देले से माने प्रोटेक्टेड रहिबे से माने जे आम परिवार रहुसंथि किछि रोग आम देह को जूनोटिक रोग कहते आम देह को व्यापी थे तेना जूनोटिक रोग में आम मनुष्य समाज में आक्रांत हमने से सुस्थ रहे तेना सुस्थ रखापाई का डिवार्मिंग वैक्सीनेसन प्रपर फुडिंग एवं प्रपर परिवेश रखा और ग्रूमिंग करवा निहाती आवश्यक सर बहुत जगह देखा जाए जे समय अभाव कहतु कि गोटे प्रकृत स्थान दूरता कहतु लोक मैंने कौन करते ना डॉक्टर का पाक वेटनरी भेट का पाक न जाए कि नर्माली पेट सब कहते कुछ बुझिकी दे दिखती मेडिसिन के ठीक रही है जोटा कि परवर्त समय हईरा भी पड़ता है आजिकल देखा गले जदि ओयूटी देखा ओयूटर इनफ्रास्ट्रक्चर बहुत भल अच्छे आम अल्ट्रासाउंड एंडोस्कोपी लापारोस्कोपी ऑल इंस्ट्रूमेंट्स ह्यूमन भले आम यूज कर डिजीज डायग्नोसिस करुचु तेणु पपीर डिजीज जहाँ मनुष्य डिजीज भाया पपीर हेल्थ मध्य मनुष्य आहुरी इंपोर्टेंट पपीर ट्रीटमेंट गोटे कानाइन स्पेशलिस्ट जो मानकर कानाइन डिजीज उपरे बा कुकुर मानकर बिलई मानकर रोग उपरे अत्यंत अनुभूति रही से ट्रीटमेंट करा दरकार जने कानाइन प्रैक्टिसनर अति कम रे 7.5 रु 8 वर्ष पाठ पढ़ा दरकार तेणु आपको आम इग्नोर कर गोटे डाक्तर को इग्नोर कर कौन सी गोटे पेटसअप्र लोक क्वाक बुझे ट्रीटमेंट कर बिल्कुल आवश्यक ना आ द्वारा हियर से क्या शुणिकी चिकित्सा करवा उचित नुहे कारण से पाखे कम करो क्या शुणी को जानते ताद्वारा आम पपीर जीवन को नष्ट उचित नुहे कारण आम औषध देते तो हायर डोज हम कत लोअर डोज जहाँ लिभर किडनी अफेक्टेड कर तार लंगजीविटी लस हे रोगाक्रांत हे कि किसी रोग ताद्वारा आम देह को व्यापी तार जी दिन बचा कथा खराब हे
ତେଣୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ କିଛି ଡିଜିଜ୍ ଏଇଭଳିଆ କୁଆଙ୍କଡ଼ା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇ କିଏ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ କିଡ଼ନି ଡିଜ୍, ବହୁତ ଆମେ କିଡ଼ନି ଡିଜ୍ ରିଲେଟିଭ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛେ, ଯେଉଁମାନେ ଏ ପେଟ୍ସପ୍ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୁଆକମାନଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ କିଡ଼ନି ଡିଜ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଆମ ଆଉଟଡୋର୍ରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଉଛୁ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଡ୍ୟୁରିଂ ଗ୍ରୋଥ୍ ଫେଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଢ଼ୁଛେ ବାଲାନ୍ସ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଦରକାର। ଯଦି ବାଲାନ୍ସ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ନହେଲା ରିକେଟ୍ସ ହେଉଛି, ଗୋଡ଼ ବଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି, ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଉନି, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଘରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରିଦେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଏଇ ବର୍ଷ ବି ବହୁତ ଉଦାହରଣ ରହିଛି ଆମ ଏରିଆରେ ବା ସପୋଜ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ର ଭାଇରସ୍ ଉପଲବ୍ଧ ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର। କିଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବାରମ୍ବାର ୟୁଜ୍ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆମେ କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଦରକାର। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ହେଲ୍ଥକୁ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କରିବା ଦରକାର, କରନ୍ତୁ ହେଲ୍ଦି ଡଗ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଡଗ୍ଟି ହେଲ୍ଦି ନାହିଁ, ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରପର୍ ଇମ୍ୟୁନ୍ ବା ପ୍ରପର୍ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଟାଇଟର୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏ ପପି ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଏ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଡିଜିଜ୍ ହେବ, କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଡିଜିଜ୍ ଆନିମଲ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରିକି ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖ୍ୟ କାମ ପକାଇ ଥାଇପାରୁ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ୱାକ୍, ପେଟ୍ସପ୍ କିମ୍ବା ହିୟର୍ ସେ କାହାଠାରୁ ବୁଝିକି ପପି ବା ଡଗ୍କୁ କୌଣସି କେବେ ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସବୁବେଳେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ, ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସେମାନେ ଆମ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ, ଆମର ଭାଲ୍ୟୁ ଆମର ଲାଇଫ୍ର ଭାଲ୍ୟୁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ର ଭାଲ୍ୟୁ ଅଧିକା। ସେମାନେ ଆମକୁ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ୍ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଫେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପରିବାରକୁ ଭଲ ପାଇବାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସମୟ ବିତାଉଛେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ପଇସା ସବୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛେ। ତାଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ସ, ତାଙ୍କର ରୋଗ ଆମ ସହିତ ପାଇଁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଉପଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନେଇ ଆମ ପପିକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଯଦି ବା ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନଥାଏ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟ କାଢ଼ିକି ହେଉ ଠିକ୍ ଡୋଜ୍ରେ ଉପଯୁକ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ଡିଜିଜ୍ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରି ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ସହିତ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସିଏ ସବୁବେଳେ ହେଲ୍ଦି ରହିବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ଦି ରହିବା।